सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम अपने पत्र लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज एक पत्र और जोड़ेंगे। और आज के हमारे पत्र का विषय है प्रधानाचार्य को पत्र लिखें जिसमें अपनी आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण देते हुए फीस माफी के लिए प्रार्थना की गई हो। तो ये हमारा एक औपचारिक पत्र है, ठीक है। और जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जैसे कि बाई ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उनका पद तथा पता लिखा जाता है, उसके नीचे तिथि लिखी जाती है, तत्पश्चात संबोधन लिखा जाता है जैसे महोदय, मान्यवर आदि। इसके बाद संक्षेप में विषय लिखा जाता है, पत्र के पहले अनुच्छेद में अपना संक्षिप्त परिचय व पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है, अगले अनुच्छेद में संबंधित विषय पर विस्तार व कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया जाता है, इसके पश्चात धन्यवाद, भवदीय, भवदीया, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, ये लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, कक्षा लिखता है और क्रमांक भी लिखता है। तो इस तरह से हमें कुछ बातों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं। तो चलिए इसी तरह से हमने शुरू किया है सेवा में प्रधानाचार्य, उसके बाद तिथि आप अवश्य इसमें लिखें। यहाँ पर तिथि नहीं दी गई है लेकिन आप जिस भी दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तिथि आप इसमें अवश्य लिखें। फिर अपने विद्यालय का नाम लिखें, जहाँ आप रहते हैं उस जगह को लिखें और किस विषय पर आपको निवेदन पत्र आवेदन पत्र लिखना है उस विषय को जरूर लिखें। तत्पश्चात महोदय या मान्यवर लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में, आप जिस भी कक्षा में हैं उस कक्षा का यहाँ पर जिक्र करेंगे, मेरे पिताजी का स्कूटर पिछले माह DTC बस से टकरा गया। तो ये DTC बस क्या है, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि DTC बसें क्या होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो लोग दिल्ली में नहीं हैं, DTC बस अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप साधारण तौर पे लिखें कि मेरे पिताजी का स्कूटर पिछले माह बस से टकरा गया जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वे अब लंबे समय तक बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे क्योंकि उनके पैर में ज़्यादा या अधिक चोट लग गई हैं। घर में उनके सिवाय और कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, हम 3 भाई बहन हैं तथा सभी स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्थिति में मेरे लिए स्कूल की फीस देना संभव नहीं है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ़ कर दें। मैं नवी कक्षा में या आप जिस कक्षा में आप अभी हैं उसके ठीक एक पहले वाली कक्षा के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे कि मैं उस कक्षा में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया था, यदि आप मेरी फीस माफ़ कर देंगे तो मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख पाऊँगा, आशा है, या रख पाऊँगी, अगर आप लड़की हैं तो आप रख पाऊँगी लिखेंगे, आशा है आप मेरी मदद अवश्य करेंगे, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ये एक लाइन आप अवश्य जोड़ें। इसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे और फिर हम लिखते हैं क ख ग, क्योंकि जब भी हम परीक्षा में जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें नाम की जगह हम क ख ग ही लिखते हैं। और इसके बाद जिस भी दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम ये पत्र फीस माफ़ी के लिए लिख रहे थे। तो इसमें विषय वस्तु आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। यहाँ मैंने जिक्र किया था कि पिताजी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से फीस नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ पर आप और कुछ भी कारण लिख सकते हैं, जैसे कि पिताजी की नौकरी चली गई है या हमारी आर्थिक स्थिति अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये सारी बातें हम उस विषय में, उस विषय वस्तु, इस बात को हम बनाकर अपने पत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी आपके मदद के लिए, आप इससे मदद लेकर स्वयं का पत्र लिखें तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अगले पत्र में, अगले निबंध में। आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।